दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर मेक इन इंडिया के अंतर्गत इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने और ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के तरह खुद को डेवलप करने के साथ साथ इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है वर्ल्ड का। इसी मार्केट को और एक्सपेंड करते हुए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नई इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी बनाई है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट साइज अगले 4 साल में $400 बिलियन का हो जाएगा, जो प्रेजेंटली अभी $104 बिलियन का है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत सारे कड़े स्टेप्स उठाए हैं, जिसके तहत आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने से स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देगी। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी का कहना है कि गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि आंध्र प्रदेश को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब 2024 तक बनाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट का न्यू वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के कोपार्थी जगह में सेटअप करने का प्लान है, जिसकी वजह से 39,000 डायरेक्ट जॉब्स भी जनरेट होगी, जिसमें ज़्यादा मेजोरिटी वोमेन को दिया जाएगा। आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों ये न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के बारे में? नीचे ज़रूर अपने राय दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर कभी न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।